Hey guys, welcome back to the third video of the series Bodyweight Home Workout During Lockdown. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने बैक के मसल्स को कैसे वर्क करना है. बैक के मसल के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज के हम तीन वेरिएशंस करेंगे. एंड अगर आप तीनों वेरिएशंस करोगे तो आपके सारे बैक के मसल्स को वर्क करने में आप हमें हेल्प करेगी. नाउ आपके बैक के जो मसल्स होते हैं उनके फाइबर्स डिफरेंट डायरेक्शन में रन करते हैं एंड इसके कारण आपको डिफरेंट मूवमेंट्स चाहिए होती हैं जो मोस्टली फाइबर्स को हिट कर सके. सो जो मैं आपको ये तीनों वेरिएशंस बताऊंगा, अगर आप इनको करोगे तो आप मोस्टली अपने सारे फाइबर्स को हिट करोगे. अब हम स्पेसिफिकली हर एक मसल की बात नहीं करेंगे कि इसके फाइबर किस डायरेक्शन में रन करते हैं एंड कौन सा एक्सरसाइज इसको क्यों हिट करेगी वगैरह वगैरह, बिकॉज वो इस वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है. सो हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा अगर आप उनको करोगे तो आपके बैक के सारे मसल्स हिट होंगे. सो हम पुलअप्स करेंगे, बट पुलअप्स की हम तीन वेरिएशंस करेंगे. सो आपको इसके लिए एक या तो पुलअप बार चाहिए होगी या तो आपके पास कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जिस पे आप पुलअप्स कर सको. सो मेरे पास पुलअप बार नहीं है, सो मैं इस जुगाड़ से काम चलाऊंगा. सो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी जो ग्रिप है वो शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है. जब आपने ऐसे ग्रिप किया होगा, जो भी आपकी एल्बो पोजीशन होगी जो कि आउटवर्डली पॉइंटेड होगी, आपको इस एल्बो पोजीशन को मेंटेन करना है थ्रू आउट द रेपिटेशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. आपने ग्रिप सेट कर ली, आपकी एल्बो पोजीशन सेट होगी. अब आपको क्या करना है, आप इंटेंशनली ट्राई करोगे कि आप अपनी थोरासिक स्पाइन को जितना हो सके उसको एक्सटेंड करो. सो अब आप जिस पोजीशन में पहुंच जाओगे, इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करोगे. जब आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करोगे, आपका जो मिड बैक का रीजन है, जो आपके मिड रैप्स हैं, रोम्बोइड्स हैं, आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्शन फील होनी चाहिए, आपको वहां पे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलना चाहिए. सो ये एक्सरसाइज होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बैक. देन हम करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको फिर पुलअप्स ही करने हैं, बट इसमें आपकी जो ग्रिप है वो शोल्डर विड्थ पे रहेगी. सो आपको शोल्डर विड्थ पे ग्रिप लेनी है. इस एक्सरसाइज में आपको अपनी थोरासिक स्पाइन को एक्सटेंड नहीं करना है इंटेंशनली, आपको बस लटकना है, ग्रिप आपकी शोल्डर विड्थ पे होनी चाहिए. एंड उसके बाद जब आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करोगे तो इस एक्सरसाइज में आपको इंटेंशनली अपनी एल्बोस को अंदर की तरफ थोड़ा सा पॉइंट करना है जितना आप कंफर्टेबली कर सको. ये हमारी वेरिएशन होगी सेकंड जो आप बैक के लिए करोगे. सो अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की. थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम आइडियली चाहेंगे कि हम न्यूट्रल ग्रिप यूज़ कर सकें. सो अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो उसको यूज़ कीजिए, बट मेरे पास जैसे वो ऑप्शन नहीं है तो मैं सुपिनेटेड ग्रिप लूँगा. सो आप सुपिनेटेड ग्रिप कर लटक जाओगे. लटकने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अपने रिब केज को अराउंड न्यूट्रल पोजीशन पे लेकर आना है, बिकॉज जब आप लटकोगे तो आपका रिब केज ऊपर की तरफ हो जाएगा. आपको ट्राई करना है कि आप जितना उसको न्यूट्रल हो सके. आप सोच सकते हो कि जब आप क्रंच परफॉर्म करते हो, क्रंच का जो फर्स्ट 10-15% ऑफ रेंज ऑफ मोशन है आपको वो करना है इस थर्ड एक्सरसाइज के रैप को बिगिन करने से पहले. सो रैप को करने से पहले आप ये मोशन परफॉर्म करोगे ताकि आपका रिब केज काइंड ऑफ अराउंड न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए. देन आपको क्या करना है कि फिर आप अपने आप को ऊपर की तरफ खींचोगे, ठीक है, फिर आप अपने आप को नीचे की तरफ लाओगे एंड लास्ट में आगे आपका रिब केज फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा. देन फिर आपको अपने रिब केज को नीचे की तरफ करना है, अराउंड न्यूट्रल लाना है, फिर आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करोगे. एंड आपको जब अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करना है, आपने ये सोचना है कि जैसे आप अपनी एल्बोस को आपके बैक के मिड पॉइंट पे टच कर रहे हो, ठीक है, एल्बोस को आपको बैक के मिड पॉइंट पे टच करने का सोचना है. एंड ये भी आपको हेल्प करेगा टू गेट अ बेटर माइंड टू मसल कनेक्शन विद द लैट्स. सो आपको अपने बैक वॉक के लिए ये तीनों एक्सरसाइजेस करनी है. सो आपको कितना वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम के लिए आप 3-4 सेट्स ऑफ ईच कर सकते हो आफ्टर एवरी 2 डेज. सो अगर आप मंडे को ट्रेन कर रहे हो, देन आप थर्सडे को फिर कर सकते हो, देन अगेन आप संडे को कर सकते हो. नाउ मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि हमें किसी भी सेट में अराउंड 25 रेपिटेशन से ऊपर नहीं जाना है. सो इस केस में हमें जल्दी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज बहुत कम लोग होंगे जो इन एक्सरसाइजेस पे 25 से ज़्यादा रेपिटेशन कर पाएंगे. सो आप काफ़ी टाइम पे इन एक्सरसाइज पे अपने बॉडी वेट से ही प्रोग्रेस कर सकोगे. एंड देन इन फ्यूचर अगर आप 25 रेपिटेशन पहुँच जाते हो किसी भी एक्सरसाइज पे, सो आप क्या कर सकते हो, इधर आप आइसोमेट्रिक्स इंक्लूड कर सकते हो. आइसोमेट्रिक्स पे मैंने वीडियो सीरीज की डाली हुई है, उसको चेक कीजिए एंड बैक के लिए आइसोमेट्रिक्स फाइंड कीजिए, आप वो कर सकते हो. और आप वेट ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग अ बैकपैक एंड देन अगेन आप प्रोग्रेस कर सकते हो टिल यू रीच 25 रेपिटेशन एंड देन फिर वो वेट ऐड कर आप रिपीट कर सकते हो. अब हम बात करते हैं रेस्ट पीरियड्स की. इन सभी एक्सरसाइज में आपका रेस्ट पीरियड अराउंड 1.5-2.5 मिनट्स रहेगा बिटवीन सेट्स एंड अराउंड 2-3 मिनट्स बिटवीन एक्सरसाइज आपकी रेस्ट रहेगी. एंड इन सभी एक्सरसाइज में आप 1-2 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर रहिए. सो या दैट्स इट गाइस. अब मैंने आपको बैक का वर्क बता दिया है, आप इसको कीजिए.
eat properly, and make all kinds of back gains. I'll meet you guys in the next one. Bye bye.